शुरू से शुरू, शुरू से शुरू, शुरू से शुरू। आया था कि जब हम यू फिर टाइम ज़्यादा इस लग सकता है, इट कार्ड सारा गड़बड़ हो गया। एग्जाम्पल से शुरू करूँ, विजिटर वीज़ा बोला था मैंने इसमें, तो अभी थोड़ी, तो अभी थोड़ी, तो अभी थोड़ी, तो अभी थोड़ी, सब गलत हो गया ना यहाँ भी एंड में, तो शुरू करना ना। हाय, मैं रमन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल नॉलेज मार्केट में। तो जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था यूके वीज़ा के बारे में, कि हमें यूके वीज़ा कब अप्लाई करना चाहिए, सही टाइम कौन सा है, या हमें उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो वैसे ही आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगी कि अगर जैसे हमारा यूके वीज़ा कभी लेट हो जाता है, चाहे वो कोई सा भी वीज़ा हो, टूरिस्ट वीज़ा हो, विजिटर वीज़ा या स्किल वर्क वीज़ा या स्टूडेंट वीज़ा, बट कभी कभी आने में वो लेट हो जाता है, तो हम सोचते हैं कि शायद हमारी हमने फाइल में कुछ गलती करी है या शायद हमारा एप्लीकेशन फॉर्म ठीक नहीं है, बट ऐसा नहीं होता। वो क्यों लेट आ रहा है, उसका डिसीजन लेट क्यों आ रहा है, ये जानने के लिए यूके वीज़ा की एक वेबसाइट है जिसका लिंक मैं आपको अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां जाके देख सकते हैं कि हमारा वीज़ा क्यों लेट आ रहा है। तो पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट वीज़ा को लेकर। स्टूडेंट वीज़ा जो वो 3 to 6 वीक में अभी आ रहा है, ये थोड़ी गुड न्यूज़ है। वहीं अगर हम डिपेंडेंट वीज़ा को लेकर बात करें तो डिपेंडेंट वीज़ा अभी 12 to 15 वीक्स में आ रहा है। बाकी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, कभी टाइम ज़्यादा भी लग सकता है, कभी कम भी लग सकता है, वो डिपेंड करेगा। अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूँ, जैसे अभी इंडिया और लंदन की क्रिकेट सीरीज़ चल रही थी, तो तब अगर जो डिसीजन था यूके वीज़ा का, वो 2 वीक में ही आ रहा था, बहुत जल्दी आ रहा था, ये भी एक गुड न्यूज़ थी हम लोग के लिए। तो अब मैं आपको अपनी स्क्रीन पे दिखा देती हूँ कि जो भी आपका वीज़ा टाइप है वो क्यों डिले हो रहा है। ये यूके गवर्नमेंट की एक साइट है, आप मैं आपको इस वेबसाइट का जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, बाकी आप चेक कर सकते हैं। आपका कोई सा भी वीज़ा टाइप हो, चाहे स्किल वर्क हो या विजिटर टूरिस्ट, जो भी, आप यहाँ जाके सारी अपडेट ले सकते हैं। जैसे कि जो लास्ट अपडेट है यहाँ पे 26 अगस्त का और रखा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी साइट पे सारे लिंक भी दिए होंगे, आप उस लिंक पे जाके सब चेक कर सकते हैं। आपका जो भी वीज़ा टाइप हो वहाँ जाके क्लिक करें और आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाएगी। जैसे अगर हम बात करें विजिटर वीज़ा को लेके, जो विजिटर वीज़ा है अभी यहाँ पे टाइम दिखा रहा है 7 वीक। वैसे जो उसका स्टैंडर्ड टाइम है वो 3 to 4 वीक का है, बट यहाँ पे 7 वीक दिखा रहा है। इसलिए आप जब भी बुकिंग करें तो आप 7 वीक को लेके ही चले, आपकी चाहे होटल बुकिंग हो या फ्लाइट बुकिंग हो, वो आप 7 वीक को ही लेके चले। बाकी कोई सा भी वीज़ा हो, आप इस पेज पर जाके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इस पेज पर आपको आपके वीज़ा के रिगार्डिंग सारी अपडेट्स मिल जाएंगी। तो अब ये थी जो जितनी भी मैंने आपको सर्विसेज बताई थी, स्टैंडर्ड वीज़ा की थी। अब एक होता है सुपर प्रायोरिटी सर्विसेज और प्रायोरिटी सर्विसेज। कुछ लोगों को नहीं पता होता कि सर्विसेज क्या है, तो आज मैं आपको ये भी बताऊंगी। जैसे जो प्रायोरिटी सर्विसेज होती हैं, प्रायोरिटी सर्विसेज में क्या होता है कि जो आपका वीज़ा है वो आपको 5 डेज़ में मिल जाता है, बट इसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ेगा। वहीं अगर हम सुपर प्रायोरिटी सर्विसेज की बात करें, जो सुपर प्रायोरिटी सर्विसेज हैं इसमें आपको वीज़ा है जो आपका 1 डे में मिल जाएगा, बट इसमें भी आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया सुपर प्रायोरिटी सर्विसेज में जो वीज़ा 1 डे में तो आ जाएगा, बट बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है कि लोग ज़्यादा प्रेफर नहीं करते, क्योंकि वो सोचते हैं कि वीज़ा के लिए इतनी फीस देना कोई वो नहीं होता। तो इसलिए लोग क्या करते हैं, अगर जिसको 2 महीने बाद का प्लान करना था, वो 2 महीने पहले ही अपना वीज़ा अप्लाई कर देता है। बट फिर भी कुछ लोगों को होता है कि इमरजेंसी जाना पड़ता है, कुछ अर्जेंट होता है, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो किसी के, तो उनके लिए जो प्रायोरिटी और सुपर प्रायोरिटी सर्विसेज है ये बहुत अच्छी हैं कि उनको उस टाइम में वो ये सर्विसेज लेकर अपना वीज़ा जल्दी अप्लाई करके 1 डे में ले सकते हैं। हाँ, बट बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ेगा, इसका आप ध्यान रखें। अब आपको मैं अपना स्क्रीन पर दिखा दूंगी कि जो मैंने आपको यूके गवर्नमेंट की एक साइट बताई है, आप इस पे जाके देख सकते हैं। तो आप मेरी स्क्रीन पे देखिए कि अगर आप एग्जांपल विजिटर वीज़ा के लिए अप्लाई करें, तो जो विजिटर वीज़ा है उसकी स्टैंडर्ड फीस है 100 पाउंड, जो कि तकरीबन 9000 समथिंग पड़ती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। और वहीं अगर हम प्रायोरिटी सर्विसेज की बात करें, जो प्रायोरिटी सर्विसेज में हमारे जो अमाउंट है वो 250 पाउंड है, अगर हम प्रायोरिटी सर्विसेज लेते हैं, इसका भी तकरीबन आपको 22000 समथिंग पड़ता है। वहीं अगर हम सुपर प्रायोरिटी सर्विसेज की बात करें, तो वहाँ हमारा अमाउंट 956 पड़ता है तकरीबन, इतना वो हो जाता है 86K अराउंड। तो आप देख सकते हैं कि इसमें हमें कितना कितना अंतर है। तो इसीलिए अगर आपको कभी भी वीज़ा अप्लाई करना हो या आप देख रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आप चेक कर लें। अगर आप टाइम भी चेक कर लें, प्लस आपका अपना जो कितना फ़ी होगा आप ये भी चेक कर लें। तो इसलिए जब भी वीज़ा अप्लाई करें, इन साइट्स पर जाके ज़रूर देखें। इन दोनों जो वीडियोज़ के आपको लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी। आप जब भी अप्लाई करें यहाँ पर जाके एक बार विज़िट करें और सारी चीज़ें ज़रूर देख लें।
तो अब मैं आपको बताती हूँ कि ट्रांजिट वीज़ा क्या होता है। बहुत से लोगों को नहीं पता होता कि ट्रांजिट वीज़ा क्या है। ट्रांजिट वीज़ा जैसे अगर हम इंडिया से कभी ट्रैवल कर रहे हैं और बीच में हमारा हमें फ़्लाइट चेंज करनी है, हमें एक या दो दिन का स्टे लेते हैं, तो हम सोचते हैं कि हम बाहर यूके जाएँ थोड़ा घूमें, उसके लिए हमें ट्रांजिट वीज़ा की ज़रूरत है। ट्रांजिट वीज़ा वैसे 7 वीक में आ जाता है, बट आपको एक या दो दिन के लिए लेना पड़ेगा। बट अगर आप होटल मतलब एयरपोर्ट में ही रहना चाहते हैं, कहीं बाहर नहीं जाना चाहते, उसके लिए आपको ज़रूरत नहीं है। इनके साथ बाहर घूमने जाना चाहते हैं, उसके लिए आपको ट्रांजिट वीज़ा की ज़रूरत पड़ सकती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और इससे जुड़ी कोई भी इंक्वायरी हो आप प्लीज़ मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं या मेल भी कर सकते हैं, मेल आईडी भी आपको नीचे मिल दिख रही होगी। तो और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।